अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको ये अपडेट दे दूँ कि इंडिया की जो बिपाशा 76 केजी में उनका गोल्ड मेडल मैच था, वो उसमें उनको शिकस्त हो गई। अमेरिकन रेसलर ने उनको 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर तकरीबन जो है ना 10 पॉइंट से डिफरेंस से शिकस्त दे दी। तो बिपाशा पहली वो खिलाड़ी नहीं बन सकी इंडिया की जो कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतती हैं, लेकिन अभी भी इंडिया के पास 2 और मौके हैं। वैसे तो अभी तक इंडिया के 9 मेडल्स हो गए हैं इस चैम्पियनशिप में। मर्दों में 1 सिल्वर रविंद्र का था, 5 ब्रॉन्ज मेडल थे, और अब लड़कियों में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। लेकिन इंडिया की 2 और रेसलर जो हैं वो फाइनल के अंदर पहुँच गई हैं। 62 केजी में संजू हैं, वो फाइनल खेलेंगी कल, और भतेरी हैं, वो 65 केजी के अंदर फाइनल खेलेंगी, और एक स्नेह जो है वो भी कल ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगी। तो इंडिया के डबल फिगर्स तो कंफर्म हो गए हैं मेडल टैली में, क्योंकि 2 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज तो ऑलरेडी थे, और अब 2 कल फाइनल खेलेंगी। अगर उन दोनों में से किसी एक का तो मेरे ख्याल से गोल्ड होना चाहिए। तो पहली वो खातून बनेंगी इंडिया की जो कि वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतेंगी, अगर संजू या भतेरी में से कोई जीतती है। हम तो उम्मीद करेंगे वो दोनों जीतें। और उसके अलावा एक साने जो है उनका 1 ब्रॉन्ज मेडल हो गया, तो टोटल मेडल्स की तादाद इंडिया की 12 भी हो सकती है। 11 तो कंफर्म है, 12 का भी चांस है। तो कल आखिरी दिन है चैम्पियनशिप का इंडिया का, आप कल ज़रूर ये देखिएगा, दोनों को सपोर्ट कीजिएगा, संजू को और भतेरी को, ताकि वो पहली खातून बन सकें। और अगर ये जूनियर में जीतेंगे तो इनको सीनियर का बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा सीनियर में कदम रखने से पहले। और ऑब्वियसली अगले साल जो है एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो खैर इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया बड़ा इजीली कॉमनवेल्थ गेम्स में तो 2010 से इंडिया मेडल जीतना शुरू हुआ है, लेकिन एशियन गेम्स में सिर्फ एक विनेश फोगाट हैं जिन्होंने पिछली एशियन गेम जो 2018 में हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो हम उम्मीद करते हैं जो 2022 की एशियन गेम्स होनी है उसमें भी इन्हीं जूनियर में से कोई जाए और गोल्ड मेडल लेके आए, और 2024 में ओलंपिक्स भी होनी है पेरिस में, उसके लिए भी ऑब्वियसली तैयारी करनी होगी इन सबको। अभी जो ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल हो रहे हैं इनको और ज़्यादा तैयारी करके जाना होगा, और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं जी कि आप इनको फॉलो करेंगे, कल सपोर्ट करेंगे इन लोगों को। और बाकी एथलेटिक्स की चैम्पियनशिप भी चल रही है, अमनदीप जो कि शॉर्ट पुट के अंदर थे वो तो इतनी मुतासर कन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी, लेकिन अब कल उम्मीद करते हैं कि एथलेटिक्स में जो कीनिया में चैम्पियनशिप हो रही है इंडियन अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। आज अदिति अशोक जो है उनका भी ब्रिटिश ओपन जो गोल्फ चल रही है उसमें अभी तक इतनी खास कारकर्दगी नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग कम बैक करेंगे, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कल इंडिया का बास्केटबॉल में भी एशियन क्वालिफाइंग का मैच है, वो भी ज़रूर आप देखिएगा। तो कल फिर मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक वीडियो डालूंगा कल सुबह जिसमें मैं थोड़े दिनों पहले एक बात की थी, इंडिया और पाकिस्तान का अच्छा चांस है कि इस बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में दोनों ही पहुँच सकें, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि दोनों क्या वजह है कि इस दफ़ा फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको तमाम इंडिया पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की अपडेट्स मिलते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।